हेलो दोस्तों, आज है 20 मार्च 2024 बुधवार का दिन, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें जानेंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है अमल की एकादशी। 20 मार्च को फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसे अमल की यानी आंवला एकादशी भी कहा जाता है। होली से चार दिन पहले आने से इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रह्मांड पुराण के मुताबिक आज के दिन आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। आज के दिन शुभ ग्रह योगों के प्रभाव से व्रत और पूजा का पुण्य और भी बढ़ जाएगा। आंवले की पूजा और दान से यज्ञों का पुण्य मिलता है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यताएं हैं कि आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा और आंवले का दान करने से समस्त यज्ञों और 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। आज बुधवार और अमल की एकादशी का शुभ योग। आज सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास आप दीपक जरूर जलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पहले चरण के लिए नामांकन आज से शुरू हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन का दौर आज यानी बुधवार 20 मार्च से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 102 सीटों पर चुनाव होना है, वहाँ आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का सीएए पर रोक लगाने से इंकार, 8 अप्रैल को केंद्र जवाब देगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए के खिलाफ देश भर में दाखिल 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को 8 अप्रैल को जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 9 अप्रैल को होगी। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, महाराष्ट्र पर बड़ी हलचल। दिल्ली में अमित शाह से मिले राज ठाकरे। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक मुंबई से लेकर दिल्ली तक जारी है। दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे ने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके निवास पहुंचे। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने निवास पर पार्टी के सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी की है। रूस न तो डरेगा और न ही झुकेगा, गद्दारों को बख्शेंगे नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में महाविजय के बाद रूस में व्लादिमीर पुतिन का दुनिया को संदेश। कांग्रेस के सीनियर लीडर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं। वे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में कमेंट्री करते नजर आएंगे। शुरुआत 22 मार्च को होने वाले पहले मैच से होगी। स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर इस बात की जानकारी दी है और लिखा है कि सरदार ऑफ कमेंट्री बॉक्स इज बैक। सिद्धू ने भी इस ट्वीट को शेयर किया है। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी से 3 महीने पहले हाईजेक हुए जहाज एमवी रुएन को बचा लिया था और इस पर सवार चालक दल के 17 सदस्यों को भी सेना के मार्कोस कमांडो ने रेस्क्यू किया था। इसमें से 7 बुल्गारिया के नागरिक हैं। बुल्गारिया सरकार ने भारतीय नौसेना के इस पराक्रम की जमकर तारीफ की है। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने ट्वीट करके लिखा है, इस बहादुरपूर्ण कार्रवाई के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय नौसेना के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। अमेरिका जाना चाहते हैं भारतीय तो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि इस तारीख से अब बंद हो जाएगा H-1B वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन। अमेरिका में काम के लिए जाने वालों को H-1B वीजा दिया जाता है और इस वीजा के लिए 6 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया था, लेकिन अब इसकी आखिरी डेट पास में आ गई है। प्रारंभिक पंजीकरण 22 मार्च को अपराह्न 12 बजे खत्म हो जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। याचिका पर आज सुनवाई होगी। ईडी ने भी हाल ही में केजरीवाल को 9वां समन जारी कर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है ना। और बड़ी खबर है, चुनाव ड्यूटी करने वाले पत्रकार डाल सकेंगे अपना वोट, पोस्टल बैलेट के जरिए ये सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग है और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा। 4 जून को रिजल्ट आएंगे। पत्रकारों को लेकर चुनाव आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। मतदान के दिन की गतिविधियों को कवर करने में जुटे पत्रकार भी अब वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। आयोग ने उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा देने का फैसला लिया है। अब पत्रकार डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना वोट डालने के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। गाय के अंदर ही वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल, अब इंसुलिन वाला दूध देगी गौ माता। डायबिटीज वालों के लिए बड़ा अपडेट है। गाय का दूध वैसे ही अमृत तुल्य है, लेकिन अब यह एक और बीमारी का सत्यानाश करेगा। इस मामले में वैज्ञानिकों ने एक बड़ा कमाल किया। दरअसल वैज्ञानिकों ने जीन में परिवर्तन कर एक ऐसी गाय बनाई है जिसके दूध में इंसुलिन लवा
वाला भरा रहेगा और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दुनिया से डायबिटीज पर करारा प्रहार हो पाएगा, क्योंकि डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है जिसके कारण खून से शुगर का अवशोषण नहीं हो पाता है और यही बढ़ी हुई शुगर किडनी लीवर आंख हार्ट जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाती है। आज दुनिया भर में डायबिटीज के 50 करोड़ मरीज हैं और इनमें अकेले भारत में 10 करोड़ मरीज शुगर के हैं। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस में जानवरों के वैज्ञानिक मैट व्हीलर रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने गाय के जीन में इंजीनियरिंग करके ये बड़ा कमाल किया है और ये बायोटेक्नोलॉजी जर्नल में विस्तार से प्रकाशित भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, यूपी बिहार के लिए होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा। रेलवे ने लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले 64 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान हो चुका है। रेलवे द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक अहमदाबाद, सूरत, उधना और हावड़ा से ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट बोला, रामदेव हाजिर हो, जवाब नहीं दिया तो पूछा अवमानना का केस क्यों न चला जाए। 3% से ज्यादा गिर गए पतंजलि के शेयर, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का असर दिखाई दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि के MD बालकृष्ण को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आपको बताएं, शेयर बाजार में 19 मार्च को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 736 अंक की गिरावट के साथ 72012 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 238 अंक की गिरावट रही और ये 21817 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी देखने को मिली। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई। 5 न्याय 25 गारंटी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी और इलेक्शन कमेटी की सुबह और शाम लगातार 2 बैठकें हुई है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। पार्टी के मैनिफेस्टो में 5 न्याय, युवा, नारी, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय शामिल किए गए। हर न्याय के तहत कांग्रेस कुल 25 गारंटी भी दे रही है। बैंक ऑफ जापान से जुड़ी बड़ी खबर, जापान के केंद्रीय बैंक ने 17 साल बाद ब्याज दरों में इजाफा कर दिया। अब जापान की अल्पकालिक ब्याज दर 0.1% हो गई है, जो पहले -0.1% थी। बैंक ऑफ जापान दुनिया का आखिरी सेंट्रल बैंक था जिसकी ब्याज माइनस में थी। बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में क्यों बदलाव किया और इसका भारत जैसे देशों पर क्या प्रभाव होगा? यानी जापान में ब्याज दर माइनस होने से वहां के निवेशक उन देशों में पैसे लगाते थे जहां उन्हें अच्छा रिटर्न मिलता था और इनमें भारत भी शामिल था, लेकिन अब जापान में ब्याज दर बढ़ने से जापानी निवेशक वापस अपने देश का रुख कर सकते हैं और वहां पर निवेश बढ़ा सकते हैं। बड़ी खबर है, मौत के खतरे को 91% तक बढ़ा देती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल कई लोगों की जुबान पर इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम चढ़ा हुआ। अगर आप भी इसे धड़ल्ले से फॉलो कर रहे हैं या जल्दी अपनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दरअसल एक स्टडी में ये दावा किया गया कि इस तरह की फास्टिंग दिल की बीमारी से मौत के जोखिम को 91% तक बढ़ा सकती है। आजकल वेट लॉस के लिए, वजन कम करने के लिए लोग कई तरह की फास्टिंग का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक स्टडी आई है जो ये बता रही है कि इस फास्टिंग में शरीर को फायदे के बजाय गंभीर नुकसान हो सकते हैं। यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा ईटिंग प्लान है जिसमें पूरे दिन में एक फिक्स टाइम पर खाना खाया जाता है और बाकी के वक्त फास्टिंग की जाती है और इसका सबसे लोकप्रिय तरीका 16:8 यानी 16 घंटे उपवास और बाकी के वक्त खाना पीना। इन 16 घंटे में फास्टिंग के दौरान आप कुछ सॉलिड नहीं ले सकते और ऐसे में सिर्फ चाय पानी या कॉफी, नींबू पानी जैसे लिक्विड लिया जा सकते हैं। इस अध्ययन के नतीजों पर कुछ डॉक्टरों ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये नतीजे हकीकत से इतर भी हो सकते हैं। फिलहाल जानकारी आपके सामने है। बड़ी खबर, जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की होली। कोर्ट ने 6 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। हिरासत बढ़ाए जाने के बाद अब मनीष सिसोदिया इस बार भी जेल में ही होली मनाएंगे। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ठुकरा दी है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट सामने आ रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जन्मभूमि मामले से जुड़े 15 मामलों को एक साथ सुनने की बात की थी। इसी के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है और सर्वोच्च अदालत ने मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा। WMO से जुड़ी बड़ी खबर, 2023 में रिकॉर्ड गर्मी और बेतरतीब मौसम के बाद रेड अलर्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक रेड अलर्ट जारी किया। अपनी हालिया रिपोर्ट में वैश्विक संगठन ने कहा कि दुनिया की प्रवृत्ति को बदलने के प्रयास अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। YouTube अपडेट बड़ी खबर, गाने के बोल अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब आप गुनगुनाकर भी सर्च कर पाएंगे। YouTube ने इसका अपडेट जारी कर दिया जो कि धीरे धीरे लोगों को ये मिल रहा है। भारतीय कर्मचारियों के वेतन में 8% तक की बढ़ोतरी कर सकती है TCS, बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में शामिल हुए तरणजीत सिंह संधू, अमेरिका में रह चुके हैं भारत के राजदूत, नई सरकार में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पंजाब में पार्टी के विस्तार अभियान में जुटी भाजपा को मंगलवार को एक और कामयाबी मिली। अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके पूर्व IFS अधिकारी तरणजीत सिंह संधू ने मंगलवार को भाजपा ज्वाइन किया। 1 अप्रैल से नियम लागू होने वाला NPS CRA में लॉगिन के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे
अनऑथोराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा, ट्रांजैक्शन भी सुरक्षित रहेगा। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरएम में लॉगिन करने के लिए अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से मिलने पहुंचे ओबामा, एआई समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जोमेटो ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया, शाकाहारियों को अब शुद्ध शाकाहारी पहुंचाएंगे खाना। जोमेटो ने प्योर वेज फ्लीट सोशल मीडिया पर खिंचाई हुई। प्योर वेज फ्लीट में केवल शुद्ध शाकाहारी रेस्तरा को शामिल किया जाएगा और प्योर वेज फ्लीट के लिए लाल डिलीवरी बॉक्स के बजाय हरे डिलीवरी बॉक्स का उपयोग किया जाएगा। प्योर वेज फ्लीट के जरिए केवल शाकाहारी रेस्तरा के ऑर्डर को पूरा किया जाएगा और इसका मतलब यह है कि मांसाहारी भोजन, यहाँ तक कि मांसाहारी रेस्तरा द्वारा परोसा गया शाकाहारी भोजन प्योर वेज के लिए बने हरे डिलीवरी बॉक्स के अंदर नहीं रखा जाएगा। जोमेटो ने यह फैसला लिया। बड़ी खबर, खाद्य पदार्थों की कीमतों के दबाव की वजह से महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है। आरबीआई ने मार्च बुलेटिन जारी किया है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने बुलेटिन प्रकाशित करती है। मुद्रा योजना में अब तक 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बांटा जा चुका है। ये योजना वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू हुई थी। नीट यूजी एप्लीकेशन करेक्शन विंडो 20 मार्च तक आप संशोधन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती के फाइनल रिजल्ट घोषित हो गए। एसबीआई पीओ 2023 फाइनल रिजल्ट की लिस्ट आप देख सकते हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एप्पल और गूगल ने हाथ मिलाया, आईफोन में गूगल पावर्ड एआई फीचर्स मिलेंगे। हेमंत सोरेन की भाभी सीता बीजेपी में शामिल, कहा कि झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है, सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी, खराब हवा के मामले में भारत तीसरे, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, बांग्लादेश की हवा सबसे ज्यादा खराब है। भारत 2023 में तीसरा सबसे प्रदूषित हवा वाला देश रहा। स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा वाला देश रहा है। 134 देशों की इस लिस्ट में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है और इस रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली सबसे खराब हवा वाली राजधानी रही। होली के कारण लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। मार्च के आखिरी 10 दिनों में अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं हो पाएगा। और विस्तार से जानकारी आप आरबीआई हॉलीडेज गूगल में सर्च करके आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। चौथे शनिवार के कारण 23 मार्च और 24 मार्च को रविवार बैंकों में कामकाज नहीं हो पाएगा, यानी इस महीने 23 से 25 मार्च तक लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। 29 मार्च को गुड फ्राइडे पर भी बैंक बंद रहेंगे। 22 से 31 मार्च तक अलग अलग जगहों पर कुल 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं हो पाएगा। बड़ी खबर, दिसंबर 2024 तक आएगी पहली मेड इन इंडिया चिप, आईटी मिनिस्टर ने कहा। भारत इलेक्ट्रॉनिक का हब बन गया। सीएम भजनलाल से बंद कमरे में मिले मानवेंद्र सिंह, शिव विधायक रविंद्र की भी मुलाकात। जोधपुर में 15 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन किया। 117 साल के डेटा का निष्कर्ष निकाला गया। पहाड़ों पर गर्मी से ग्लेशियर 3 किलोमीटर तक सिकुड़े। 8 से 10 साल में बर्फबारी का सीजन बहुत कम। होली पर चलेगी हावड़ा खातीपुरा स्पेशल ट्रेन। खाटू श्याम मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जयपुर नारनौल स्पेशल ट्रेन भी चलाई। महिला कांस्टेबल से 13.5 लाख रुपए की ठगी हो गई है। विदेश से गिफ्ट आने का झांसा दिया, टैक्स के नाम पर राशि वसूल की गई। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से पढ़े लोगों को भी ये साइबर अपराधी अपने जाल में फंसा लेते हैं और इस तरह से ठगी कर देते हैं, है ना, तो सावधान रहना जरूर बनता है। मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। मुलताई, छिंदवाड़ा और जबलपुर में तेज बारिश देखने को मिली, कई जगह ओले भी गिरे। टमाटर और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 मार्च को सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी और अनूपपुर में गरज चमक की स्थितियां बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 6 माओवादी ढेर हो गए। गढ़चिरौली में 36 लाख के 4 इनामी और दंतेवाड़ा में महिला सहित 2 नक्सली मारे गए। पटना, हाजीपुर समेत कई जिलों में बारिश, 26 जिलों में अलर्ट है। आकाशीय बिजली की भी संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 22 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावनाएं जताई है। बीजेपी आलाकमान के साथ मीटिंग करेंगे सीएम नीतीश, सभी 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी रामविलास 5, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ऐसी चर्चाएं कि 1 या 2 दिन में प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। हरियाणा कैबिनेट विस्तार में निर्दलियों को जगह नहीं, गुप्ता को फिर कैबिनेट रैंक। राज्य मंत्री बनने वाले 7 नए चेहरे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी का दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार को पूरा हो गया। 1 कैबिनेट और 7 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि दूसरे विस्तार में 1 भी निर्दलीय विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। प्रतियोगी परीक्षा
परीक्षाओं के नहीं रुकेंगे रिजल्ट। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। HSSC में नियुक्त होगा प्रशासक, सीएम सैनी ने मंजूरी दी है। एलविस यादव को हरियाणा लाएगी पुलिस, यूट्यूबर से मारपीट केस में पूछताछ की जाएगी। सांपों के जहर की तस्करी केस में पहले ही गिरफ्तार है, मतलब बिग बॉस OTT विनर एलविस यादव की मुश्किलें अब और बढ़ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर नए नियमों से जुड़ी हुई है और कॉमर्शियल इमारतों से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ में 17 साल बाद से CECB लागू कर दिया गया। केंद्र सरकार ने साल 2007 में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड बनाया था। चंडीगढ़ में अब किसी भी व्यावसायिक भवन के निर्माण में चंडीगढ़ ऊर्जा संरक्षण भवन कोड 2024 का पालन करना जरूरी होगा। यूपी फिल्म सिटी की हलचल के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 8 साल पुरानी योजना को हरी झंडी दी गई है। MG मोटर आज पेश करेगा नई इलेक्ट्रिक कार, टीजर वीडियो में पहली झलक सामने आई। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है और अब आप स्टेटस पर 30 सेकंड से लंबे वीडियो भी शेयर कर पाएंगे जब व्हाट्सएप इस तरह का अपडेट दे देगा। फिलहाल इस पर काम चल रहा है। UPSC CSE प्रीलिम्स 2024 से जुड़ी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के चलते UPSC प्रीलिम एग्जाम स्थगित हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की डेट के क्लेश के चलते UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक CSE परीक्षा 2024 को स्थगित कर दिया गया था। अब ये परीक्षा 26 मई को आयोजित न होकर 16 जून 2024 को संपन्न कराई जाएगी। CA इंटर और फाइनल एग्जाम की रिवाइज्ड डेट भी घोषित हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप नोटिस जानकारी देख सकते हैं। MP बोर्ड के 7 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को बोनस अंक मिलेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री के पेपर में कुछ प्रश्न ही गलत थे और इसके लिए छात्रों को एक्स्ट्रा 2 नंबर बोनस के तौर पर मिलेंगे। महिला आरक्षण कानून तत्काल लागू करना संभव नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने जवाब दिया। शिक्षा विभाग के फैसले के विरोध में बिहार में पटना की सड़कों पर स्टूडेंट उतरा है, शिक्षा मंत्री ने समाधान का आश्वासन दिया। वहीं बिहार राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षकों पर कार्रवाई के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। फर्जी डिग्री पर नियुक्त शिक्षकों के मामले में सुनवाई पूरी। वृंदावन में होली से पहले गाइडलाइन और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है। बड़ी खबर आ रही है, प्रमोशन में आरक्षण पर झारखंड हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कहा कि 2003 में जारी संकल्प अब नहीं रहेगा प्रभावी, यानी झारखंड हाई कोर्ट ने प्रोन्नति में SC ST को आरक्षण देने से जुड़े मामले में यह अहम आदेश दिया। नहीं रोक सकते किसी के आने जाने का रास्ता, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। अब 30 मिनट में होगा आंखों के कैंसर का खात्मा, एम्स ने शुरू किया गामा नाइफ रेडियोथेरेपी से इलाज। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना और चांदी सस्ता हुआ। मंगलवार सुबह सोने का भाव 65,559 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ, चांदी का भाव 73,616 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस, सुर्खियां और अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो में आप किस टाइप की खबरें ज्यादा देखना पसंद करते हैं, राजनीति से जुड़ी, शिक्षा से जुड़ी, करियर, किस कैटेगरी से जुड़ी खबरें आपको बहुत अच्छी लगती है या आप जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि आप और हम लोग ऐसे ही जुड़े रहें और काम की ताजा खबरें देखते रहें। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।